गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक क्लास थ्री। क्लास थ्री, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये जो पार्ट दो तोते का जन्मदिन, वो मैंने आप लोग को पढ़ के बताया था कि किस तरीके से कोटर में बैठे हुए तोते और तोती आपस में बात करते हैं कि बहुत सारे फल लगे हुए हैं तो हम, और तोते का जन्मदिन भी आता है तो तोता कहता है क्यों ना मेरा जन्मदिन मनाया जाए। तो तोती भी इस बात पे खुश हो जाती है कि क्यों नहीं, इतने सारे फल लगे हुए हैं और आपका जन्मदिन आ भी रहा है तो हम सब मित्रों को बुला करके आपका जन्मदिन बिल्कुल मनाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग बात करते हैं और सारे जो उनके पक्षी फ्रेंड लोग थे, दोस्त, वो सब आते हैं और सभी इंजॉय करते हैं। कोयल गाना गाती है और मोर नाचता है और कौवा भी, पहले तो तोते ने कौवा को नहीं बुलाया था, फिर बाद में कौवे को भी किस तरीके से बुलाया था मैंने आप लोग को बताया है इस चैप्टर के दौरान। और लास्ट में जब बुलबुल आती है तो कौवे को बधाई हो करके उसको, तोते को उनके जन्मदिन की बधाई देती है। तो आइए आज मैं आप लोगों को इसी पार्ट का, ये जो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ग्रामर दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है पर्यायवाची शब्द का, कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, चलिए मैं आप लोगों को बोर्ड के ही थ्रू बता देती हूँ। देखिए पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, जैसे कि अलग अलग शब्द रहता है लेकिन अर्थ उसका एक ही होता है। आप देख सकते हैं कि परिभाषा के द्वारा मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए अलग अलग शब्द है मगर अर्थ उनका एक ही है, उसी शब्द को पर्यायवाची, मैंने हाइलाइट कर दिया है पर्यायवाची या समानार्थी को, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके, तो देखिए ये मैं आप लोग को जो शब्द है उसको पढ़ करके बताती हूँ। मित्र, मित्र को हम बोल सकते हैं दोस्त, सखा, अलग अलग शब्द है मगर अर्थ उसका मित्र ही होगा। ओके, चांद, चांद को हम लोग बोल सकते हैं चंदा, चंद्रमा, मयांक, शशि, ये सब होता है चांद का ही पर्यायवाची है। ओके, चांद, चांद का होगा चंदा, चंद्रमा। आंख, आंख का है नेत्र, नयन, और भी होता है चक्षु, ये सब आंख का पर्यायवाची है। तो आंख का क्या क्या है, आंख, नेत्र, नयन। फूल का है कुसुम, पुष्प, सुबह उषा, प्रातः हवा, पवन, वायु। अब आगे का देखते हैं, पानी, पानी को हम लोग बोल सकते हैं नीर, जल, आप लोग जल बोलते सुने भी होंगे कई लोग को, कमल, जलज, पंकज, धरती, पृथ्वी, जमीन। कपड़ा को बोलते हैं हम लोग वस्त्र, पट, झंडा, ध्वज, पताका। पहाड़, पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, गिरी। ओके, तो ये कुछ है पर्यायवाची शब्दों के, जो मतलब किसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग शब्द किंतु उनका अर्थ है समान, तो उसी को ही पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। और ये कुछ शब्द दिए मैंने आप लोगों को पढ़ के बता भी दिया। तो देखिए और कुछ बुक में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने बोर्ड पर लिख दिया था, वो मैंने आप लोग को पढ़ के बता दिया। अब बुक में देखिए दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। धरती, धरती को जमीन बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, किंतु गिरी नहीं, गिरी मीन्स होता है पर्वत, इसीलिए इसको आप लोग राइट लगा करके अलग कर सकते हैं। हवा, हवा को हम लोग पवन बोलते हैं, वायु बोलते हैं, किंतु जल मीन्स तो मैंने आप लोग को अभी बताया, जल मीन्स होता है पानी, इसीलिए आप इसमें राइट लगाकर इससे अलग कर सकते हैं। फूल, फूल कुसुम होता है, पुष्प होता है, किंतु पट नहीं होता है, पट मीन्स तो वस्त्र होता है, इसीलिए इसमें राइट लगाकर आप इसको अलग कर सकते हैं। ओके, झंडा, झंडा ध्वज और पताका, किंतु जलज नहीं होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये कुछ
देखिए दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखे। ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ पे भी कुछ शब्द लिखे हैं, तो इनका हमको पर्यायवाची बताना है। नेत्र, नेत्र इसमें से हम लोग देख करके भर सकते हैं। नेत्र का होता है नयन, मैंने भर दिया है, और आँख, नेत्र का होता है नयन और आँख। पवन का होता है हवा, वायु। उषा का होता है प्रातः, सुबह। और गिरी का होता है पहाड़, पर्वत। ओके, तो इस तरीके के ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ ही गया होगा किसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, अलग अलग शब्द किंतु अर्थ एक ही, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ दे रहा है और देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द है, मगर शब्द देखिए अलग अलग है, है ना, तो इसी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, तो आप लोग को ये पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा। तो आगे का जो चैप्टर है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, सी यू सून।